पूजा पाठ नहीं होता ना तो तुम्हें पाठ पढ़ाते हम अभी। तुम हमको पाठ पढ़ाती? अच्छा ख्याल है, बहुत अच्छा ख्याल है। पंडित जी, जी आइए, मुंह हाथ धो के थोड़ा जलपान कर लीजिए। अच्छा, वैसे भी इन दोनों ने सारा काम बहुत अच्छे से संभाल लिया है ना? जी वो तो देख रहा हूँ। चलिए आइए। हम बताएं ये क्या है? किशन के दिल के टुकड़े। अहम त्वयि स्नेहामि, इसका मतलब भी पता है? मतलब I love you। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब भगवान की आराधना करते हैं ना तो ऐसे विचार भी मन में लाना पाप होता है। किसके समान होता है पाप? आओ। अब आओ। एक मिनट, हम हेल्प कर देते हैं। That's fine. I'll do it. मैं कर दूंगा। आप अपनी आंखें खोलिए, ऐसे ऐसे रगड़िए मत। साक्षी, I'll do it. मैं कर दूंगा। It's okay. एक मिनट। अब आप चुपचाप ऐसे खड़े रहिए और हमको निकालने दीजिए आपकी आंख में से। आंखें खोलिए, चलिए। You're welcome. Thank you. एकत्य वैद्य नेमो नमः, क्या है यार ये सब? याद ही नहीं हो रहा है। कत्य वैद्य वैद्य एकता वैकादा निमिषारण, एकता वैकादा निमिषारण। एकता वैकादा निमिषारण क्या हो रहा है? एकता वेकादा निमिषारण्य एकदम। ओ गॉड, ये क्या है? कॉन्सेंट्रेट। एकता वेकादा निमिष, वैशाली जी उसमें ना धूल पड़ी हुई है, पहले उसे साफ कर दो। और सुनो, वो ढोलक वहां पड़ा है, उसे उसे भी कस दो, एक बार देख लो उसकी आवाज ठीक है। हाँ बड़ी जेठानी जी, ये देखिए हम इसको क्या क्या बताएं सर, एक बार में ये देखिए। चाची जी, हाँ वो एक्चुअली ये कथा ये याद करना है ना, आज शाम को बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है इस ढोल से, अगर आप ये सब कहीं और, आई मीन बहुत डिस्टर्ब हो रहा है।
हाँ थैंक यू एंड सॉरी. बड़ी जिठानी जी, ये जो ढोलक है इसकी जो रस्सी है ना थोड़ी ढीली हो गई है, इसे थोड़ा कस के रखना पड़ेगा. क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ कहो, हमें समझ में नहीं आ रहा है. बड़ी जिठानी जी, आप ना बड़ी भोली हैं. तभी तो देखिए वो जो अग्नि है ना, उसकी हिम्मत देखिए आपने. उसने आपका भी लिहाज नहीं किया, थोड़ा भी सम्मान नहीं किया आपका, और कैसे आकर के बोल के चली गई कि जानजी जी, आंटी जी, आप लोग जरा कहीं और चली जाइए. उसकी हिम्मत देखी आपने? अरे अगर उसको याद करना था, पढ़ना था, तो वो कहीं और चली जाती. अगर उसकी लगाम नहीं कसी गई ना, तो एक दिन इसी ढोलक की तरह ना आपकी आवाज भी दबा के रख देगी. रस्सी कसनी है उसकी. मगर वगर छोड़िए बड़ी जिठानी जी, मेरे पास ना बड़ी अच्छी तरकीब है. तरकीब? वो उस दिन वो डेट वाली तरकीब भी तुमने दी थी ना. अरे उस बात को जाने दीजिए बड़ी जिठानी जी, इस बार की तरकीब इतनी कमाल की है ना कि उस अग्नि की बोलती बंद हो जाएगी. तब तक हम इसको कसते हैं. नमो नमः नमः नमः. ओह थैंक गॉड, जय हो प्रभु, फाइनली 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 हमें याद हो गया. ये वचन तो हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे. अग्नि तुम ही जीतोगी. थैंक गॉड, अब हम रेडी हो जाते हैं फटाफट, बहुत टाइम हो गया. बदहवास से कहाँ जा रही हो और यहाँ क्या कर रही थी? वो मैं देखने आई थी कि अग्नि और साक्षी तैयार हुए कि नहीं. पूजा का मुहूर्त शुरू होने वाला है ना, बस इसीलिए. अरे हम भी तो बस यही देखने आए थे. खैर चलो, बहुत काम बाकी है, वो निपटा लेते हैं. छोटी जिठानी जी, एक काम करिए ना, आप चलिए, हम एक छोटा सा काम बचा है वो निपटा के आते हैं. अब कौन सा काम बाकी है? एक है. अरे वो हम अपने कमरे में कुछ भूल गए, हम बस वो लेकर के आते. ठीक है, लेकिन जल्दी आना. हाँ, पूजा के लिए लेट मत करना. हाँ जी, हाँ जी. बड़ी जिठानी जी, हमने ना जो लिपस्टिक बदली है उसमें ऐसा कुछ है कि उसे होठों पर लगाते ही उसके होठ आपस में चिपक जाएंगे, फिर खुलेंगे ही नहीं. हा? बदल दी. क्या? हाँ? मतलब अब अग्नि कुछ बोल नहीं पाएगी? नहीं. यानी कथा हमारी साक्षी बाजेगी? हाँ. हम इसको भी यहाँ कहीं छुपा देते हैं और हम आपको लेके बाहर चलते हैं. हाँ? वैशाली जी. बड़ी जिठानी जी, हमें साक्षी के पास ले चलो, हम उसे आशीर्वाद दे दें, फिर हम लोग नीचे चलेंगे. ठीक, जैसा आप कहें. चलिए. बहुत लेट हो गया है.
फटाफट कर अपने। लिपस्टिक रेड कलर, इस पे रेड कलर अच्छा नहीं लगेगा, कुछ और कलर लगाती हूँ। पिंक, पिंक लगा के देखते। परफेक्ट। बुक बुक ये क्या सर, आपकी कॉफी एकदम ठंडी हो गई है। रुकिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बना देता हूँ। दोबारा रहने दीजिए, अब तो कॉफी का इंतजार करने में ही मजा है। सर एक बात पूछूं, आप न जाने कितने सालों बाद वापस लौटे हैं अपने गांव, तो आपको अपने घर परिवार का याद आ रहा है ना? घर वालों की देखभाल, घर वालों का प्यार, घर की चाय, ये सब की आपको बहुत याद आ रही ना सर? अमित जी यही तो चूक गए आप हमारे बारे में अंदाजा लगाने में। फैमिली प्यार, इन दोनों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। फैमिली से मेरे दिमाग में आता है फैमिली लॉ, हिंदू फैमिली लॉ 1955-56, मुस्लिम फैमिली लॉ 1937। ये फैमिली वर्ड मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी पेंच है। हाँ, अगर मेरे लिए कुछ मायने रखता है तो वो है मेरी जिद। मुझे जो चाहिए वो चाहिए किसी भी कीमत पर। और रही बात कॉफी की, तो जब तक मैं उस इंस्पेक्टर के साथ चोच नहीं लगा लेता ना, तब तक मैं कॉफी को मुंह नहीं लगाऊंगा। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, क्या सच में आपको लगता है कि उस लड़की के पीछे जाने में कोई फायदा है? मेरा मतलब सर, पुलिस वाली है, मुसीबत खड़ी कर सकती है। अमित जी, फायदा नुकसान आसानी परेशानी, इस सबसे बड़ा, बहुत बड़ा है मेरा प्राइड, और उसने मुझे इनकार करके मेरे प्राइड को ललकारा है। कॉफी तो अब उसे मेरे साथ ही पीनी पड़ेगी। जहां बोलूंगा वहां आएगी, जब बोलूंगा तब आएगी। Because I am like that. आग बबूला अग्नि की लिपस्टिक ट्राई करें। ये कैसी सी लिपस्टिक है? खराब है जी।
वैशाली, क्या कर रही हो? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो साक्षी परेशान है, बजाय उसके तुम खुद तो भाग रही हो, हमें भी ले जा रही हो। बड़ी चिठानी जी, शांत हो जाइए ना। साक्षी को और ना किसी और को ये पता चलना चाहिए कि हमने क्या किया था। वैशाली, तुम ये क्या कह रही हो? वो लड़की हमारी वजह से परेशान है और उसकी मदद करने के बजाय तुम ये सब बातें कर रही हो। गलती मेरी है, मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था उस लिपस्टिक में ग्लू लगाने से। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में खुद गिरता है। हमने वो लिपस्टिक तैयार की थी अग्नि के लिए। बेचारी साक्षी फंस गई, उसे बहुत तकलीफ हो रही होगी। वैशाली, तुम क्या करें? डॉक्टर को बुलाएं क्या? बड़े जेठानी जी, अग्नि बेटा, कथा याद हो गई पूरी? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लेकिन ये क्या किया आप दोनों ने साक्षी के साथ? साक्षी की मदद करने के लिए आप लोगों ने हमारी लिपस्टिक पे ग्लू लगा दी। What? देवी माँ, किशन आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं देवी माँ, लेकिन अगर आप बड़ी होकर ये गलत रास्ता दिखाएंगे तो फिर हम छोटे क्या करेंगे? आप एक गलत लड़की का साथ गलत काम में दे रही हैं। और चाची, आप ये संस्कार देके आप ऋत्विक को बड़ा करेंगे। नहीं, मतलब ऐसे जो संस्कार है आपके, आप ये देख के ऋत्विक को बड़ा करने वाली हैं? देन आई एम सॉरी टू से, बहुत अफसोस है हमें, बहुत अफसोस है आपकी इस घटिया सोच पर। अग्नि, हाथ कब किस पे कहां और कैसे उठाना चाहिए इसकी ट्रेनिंग मिली है हमें, लेकिन क्या करें, हमारे संस्कार बीच में आ जाते हैं जो हमारी मां ने हमें दिए। बहुत गलत किया आप लोगों ने। एक तो हमारे संस्कार, ऊपर से आप ठहरी किशन की चाची। कहां जा रही हो? सबको ये बताने कि यहां पर क्या हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ये हम क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो टेस्ट रद्द हो जाएगा, और टेस्ट रद्द हो जाएगा तो हमें दोबारा से सारी तैयारी करनी पड़ेगी। हम क्यों ये मुसीबत अपने सर पे मोड़े, जब हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये टेस्ट तो अब अग्नि ही जीतने वाली है।